आइए अब चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 8 सॉल्व करते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं। इस एग्जाम्पल में आफताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, मतलब 7 इयर्स पहले आफताब की आयु अपनी डॉटर की आयु से 7 गुना ज्यादा थी। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मीन अब से 3 साल बाद आफताब की आयु अपनी डॉटर की आयु की केवल 3 गुने रह जाएगी। आइए पहले इक्वेशन फॉर्म करें, फिर उनका सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। लेट एक्स एंड वाई बी द एज ऑफ आफताब एंड हिज डॉटर। फ्रॉम क्वेश्चन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। दैट इम्प्लाइज एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7 वाई माइनस 49। एक्स माइनस 7 वाई इज इक्वल टू माइनस 42। लेट दिस इक्वेशन 1। अगेन फ्रॉम क्वेश्चन अब से 3 वर्ष बाद आफताब की आयु अपनी पुत्री की आयु की केवल 3 गुना रह जाएगी। तो 3 वर्ष के बाद आफताब की आयु होगी x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु होगी y प्लस 3। और पुत्री की आयु को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो वो आफताब की आयु के बराबर होगी। दैट इम्प्लाइज x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 6। लेट दिस इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 6। एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। लेट दिस इक्वेशन थर्ड। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। वी गेट x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। दैट इम्प्लाइज 6 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 48। वाई इज इक्वल टू 12। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। वी गेट x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। दैट इम्प्लाइज x माइनस 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 6। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 प्लस 36। Therefore, x is equal to 42. Therefore, x is equal to 42 and y is equal to 12. X is equal to age of Aftab is equal to 42 and y is equal to age of his daughter is equal to 12.